सारे दर्शकों ने राम राम। मैं मनजीत कोत है। जो सरकार की योजनाएं चल रही है मेरा पानी मेरी विरासत है, उसका लाभ किसानों तक पहुंच रहा नहीं पहुंच रहा, जो स्कीम लेके आए हैं यह स्कीम कितनी कारीगर है। पानी बचाने की बात चल रही है, पानी जैसे धान की फसल है, अगर हम लगावें तो धान की फसल में बहुत ज़्यादा पानी लग गए हैं। रोर है जो दाल है, तिल है या फिर कपास है, मोटा अनाज भी कहाँ तो उसमें पानी कम लग गया है। तो जीरी की जगह वह लगाया क्या सरकार ने एक स्कीम चलाई थी 7,000 रुपये देवांगे, वो 7,000 रुपये किसानों तक पहुंचा है नहीं पहुंचा है, जीरे की जगह वो लगा हुआ है, तो बातचीत कराएंगे। राम राम जी। राम राम जी। ठीक ठाक जी, बहुत बढ़िया जी, आपके चैनल का स्वागत है नारनौंद में। सर, जो सरकार की स्कीम है क्या कहोगे स्कीम के ऊपर? देखिए, हमारे हरियाणा प्रदेश के माननीय पूजनीय सम्मानीय और यशस्वी और ईमानदार मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने जो मेरा पानी मेरी विरासत की स्कीम चलाई है, ये किसानों के लिए एक वरदान है। एक तो जैसे कि नारनौंद क्षेत्र में हमारे यहाँ पर सिर्फ धान ही उगाए जाते थे और जिसके कारण पानी का जो स्तर था वो बहुत नीचे चला गया था, जल स्तर बिल्कुल, और पानी का जो टेस्ट था वो भी बदल गया था। हाँ। नूनी लगनी शुरू हो गई थी ज़मीनों में, लेकिन जब से खट्टर साहब ने, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय ने ये कहा है कि भाई आप धान की ट्रेडिशनल परंपरागत खेती छोड़कर तेल की, तलहन की, दाल की और मोटी खेती की, जैसे चना है, बाजरा है, ज्वार है, मक्का है, इनकी खेती करोगे तो 7,000 रुपये हम सरकार की तरफ से उस किसान को पर एकड़ अनुदान देंगे। इससे किसानों में बड़ा उत्साह है और किसानों ने इसको स्वीकार भी किया है और बदलाव भी किया है, और जिन्होंने बदलाव किया है और जिन्होंने स्वीकार किया है उनको वो 7,000 रुपये की राशि उनको मिली भी है। और ये सरकार की योजना है, बधाई के पात्र हैं मुख्यमंत्री महोदय और हरियाणा की बीजेपी सरकार। तो मुख्यमंत्री जी किस तरह काम कर रहे हैं इस स्कीम ने लेकर, क्योंकि पानी का स्तर देखिए तो पहला कुछ था लेकिन ये डाउन जा लिया है, तो सरकार किस तरह काम कर रही है? देखिए, सरकार जैसा काम कर रही है, उन्होंने जो जो किया, जैसे ड्रिपिंग सिस्टम है सरकार का, इसमें सरकार ने एक स्पेशल स्कीम निकाली है कि 85% तक सब्सिडी दी जाएगी। इससे ज़्यादा सरकार इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए, लागू करने के लिए और तो क्या कर सकती है। अगर कोई किसान इंप्लीमेंट करता है ड्रिपिंग सिस्टम से, उसकी सिंचाई करता है खेती की, 85% सरकार अपना खर्चा वहन अपनी तरफ से कर रही है, 15% में अगर किसान ड्रिपिंग सिस्टम अपने खेत में लगवा लेता है तो ये सरकार इसके लिए भी बधाई की पात्र है। और मेरे हरियाणा के किसान को, इस धरती पुत्र को सरकार की इस मुहिम का फायदा उठाना चाहिए, परंपरागत खेती छोड़कर, परंपरागत सिंचाई के साधन छोड़कर ड्रिपिंग सिस्टम कोई और नए तरीके हैं जिससे जल स्तर बढ़ाया जा सके, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां, अगर पानी नहीं रहा तो आने वाली पीढ़ियां भी नहीं रहेंगी। बिल्कुल। और 2024 के इलेक्शन आ हुए हैं तो 2024 में किस तरह की सरकार देखना चाहो? देखिए, हमें तो ये लगता है कि मौजूदा जो सरकार है ये जनहित में बहुत अच्छे काम कर रही है। बिना पर्ची और खर्ची के बच्चे नौकरी लग रहे हैं, पुरानी पेंशनें हैं जिनकी नहीं बनती थी, बुढ़ापा पेंशनें उनकी घर आगे बन रही हैं। इतनी कितनी ही मैं चीज़ें गिनाऊँ, नारनौंद क्षेत्र में तो अस्पताल का बनना हो, नारनौंद क्षेत्र में चाहे आईटीआई का बनना हो, नारनौंद क्षेत्र में चाहे कॉलेज का बनना हो, कैप्टन अभिमन्यु जी ने एक ऐसा काम करके दिखाया जो नारनौंद क्षेत्र में कभी नहीं हुआ। और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो किसानों के लिए कर रहे हैं वो भी अतुलनीय है, उसका कर्ज नहीं उतार सकते। हम चाहते हैं कि भगवान पुनः हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को अपना आशीर्वाद दें और जनता उनका साथ देकर पुनः मुख्यमंत्री बनाकर हरियाणा की सेवा करने का मौका दे। जी सर, क्या नाम आपका? सोनू जी। सोनू, क्या कहोगे जो मुख्यमंत्री जी की ये स्कीम है? मनोहर लाल खट्टर बहुत बढ़िया ही कर रहा है जल बचाने के लिए, और हमारे को भी ऐसा ही करना चाहिए। जैसे धान की फसल को छोड़कर दूसरी फसल लगाना चाहिए, अलवेरा वगैरह, मक्का वगैरह और बाजरा वगैरह, बाड़े वगैरह, यह सबसे ज़रूरी है। कपास भी सबसे ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, पानी बचाने खातर वही बहुत सी फसल लगानी पड़ेगी, और जो धान है, धान ज़्यादा पानी ले हुआ है, तो इस करके सरकार की स्कीम चल रही है 85% अनुदान यानी सब्सिडी भी दी जा रही है। जो ड्रिप सिस्टम वगैरह लगा होगा उस पर 85% सब्सिडी भी दी जा रही है। तो साथ ही इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और नीचे कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देनी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।